गुड इवनिंग जय हिंद भाई सभी को। और मैंने जैसा कि आप लोगों को वादा किया था एक बार, क्योंकि सबका थोड़ा सा अपने स्टेट के बारे में सबका बहुत है ना वीक पॉइंट है, तो अपने राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्योग्राफिक कंडीशन भी जानेंगे। सरकी दादरी के मैप को थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये इस तरीके से है सरकी दादरी, ठीक है। हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा, हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को अलग किससे किया था? पंजाब से हरियाणा को अलग किया था, पंजाब से, ठीक है। ये 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था, 18वें संविधान संशोधन के तहत सत्तरवां राज्य भाई। सबको हिंदी समझ आ रही है ना? किसी को हिंदी समझ ना आती हो? सबको हिंदी समझ आ रही है ना? किसी को हिंदी समझ ना आती हो तो बता देना कोई कोई वर्ड के बारे में, ठीक है, तो आपस में डिस्कस करके यहीं सोल्व कर लेंगे उस चीज को। समझ रहे हो ना मेरी बात? 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को गठन किया था, 17वां राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है। हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला था, 35.18% हिस्सा हरियाणा को मिला था। किसका? पंजाब का। बाकी हिस्सा पंजाब के पास में है, हरियाणा को कितना मिला था? 35.18% हिस्सा हरियाणा को मिला था। कब? 1966 के अंदर, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, हरियाणा का गठन हुआ उस समय, गठन हुआ उस समय साक्षरता दर 1.9% ये आपको आपसे पूछी भी जा सकती है, 19.9% है, परसेंट थी। कब? 1966 में थी ये। कब थी ये? 1966 में। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कह लो या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 75.6% हरियाणा के वर्तमान में क्या है? लिटरेसी रेट है, परसेंटेज है, ठीक है ना। वर्तमान में कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है? 75.6% है। और जब 1966 में कितनी थी? 19.9% थी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसी मैप पे यही पढ़ेंगे। हरियाणा के साथ ये है ईस्ट पार्ट, ये कौन सा है? पूर्वी भाग है। ये कौन सा है? उत्तरी भाग है। ये कौन सा है? दक्षिणी भाग है। ये कौन सा है? पश्चिमी भाग है। समझ रहे हो ना? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक चीज और है, जैसे इस क्लास को जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना अपने राज्य के बारे में, वो बेसिक क्वेश्चन हमें आने चाहिए। बस मेन बात ये है, कभी भी वो जो एग्जामिनर है या इंटरव्यूअर है, वो आपसे बिल्कुल ककोर के कुछ नहीं पूछेगा, वो बेसिक बेसिक पूछेगा, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। हरियाणा के साथ ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। हरियाणा के साथ कितने स्टेट्स की बाउंड्री लगती हैं? तो हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कितने राज्यों की लगती हैं बाउंड्री? 5 स्टेटों की लगती हैं। किसकी लगती है? यूपी की लगती है, हिमाचल की लगती है, एक नंबर यूपी की लगती है, हिमाचल की लगती है, पंजाब की लगती है, ठीक है, राजस्थान की लगती है, और पांचवा पता है कौन सा है? यमुनानगर के साथ हल्का सा थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड का टच होता है। किसका टच होता है? उत्तराखंड का। मैं अब सारी चीजें बताऊंगा आपको, किसके साथ कितनी किलोमीटर लगभग बनती है। जो हरियाणा का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसमें यमुना नदी बहती है, ठीक है। यहां कौन कौन सी नदी बहती है? ये यमुना नदी बहती है,
ठीक है, ये हरियाणा के कलेसर से प्रवेश करती है, यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, ये नदी कलेसर से प्रवेश करती है, और पलवल ये जिला है पलवल हरियाणा का, पलवल के हसनपुर से ये नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, किसमें प्रवेश कर जाती है, यूपी में। इस नदी के बारे में एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे वहां इंटरव्यू कि यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है, तो आपको बताना यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है ना, ये पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा बनाती है, कलेसर से ये नदी प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना, और ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, हिमाचल प्रदेश से ये नदी बहके आती है और ये नदी फिर आगे यहाँ कलेसर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आगे ताजे वाला बैराज और वो बनाए गए हैं, और बांध के बारे में आगे जो बांध का टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें हम डिस्कस करेंगे, और आपसे कोई डैम्स वगैरह है ना कोई इतनी डिफिकल्ट डैम्स नहीं पूछेंगे, जो एक बेसिक सी या हाल में चर्चाओं में रही है ना वो चीज पूछेंगे। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है नदियों से संबंधित कुछ पूछने की, क्योंकि कुछ दिन पहले ना हरियाणा में आपदा आई थी, ठीक है ना, तो हरियाणा के अंदर बाढ़ आ गई थी, हरियाणा के अंबाला यमुनानगर पंचकुला ये जो ऊपर के हिस्सा है इसमें पूरे के अंदर है ना हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, नदियों से प्रभावित था, बाढ़ से प्रभावित हिस्सा है ये, इसमें बाढ़ इस वजह से है ना, ये एग्जाम के माइंड में चढ़ जाए तो चढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो आगे कट चलते हैं, ये यमुना नदी के बारे में आपको याद कर लिया, ठीक है, पांच राज्य मैंने बता दिए, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, पांच राज्यों की, ठीक है, जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली अलग है, उनके अलावा पांच तो ये है। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि हरियाणा के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है, तो पांच और दो सात की लगती है, ठीक है ना, ये पूछे तो, अगर ये पूछे कितने राज्यों की लगती है तो पांच राज्यों की लगती है, राज्य मैंने बताए थे, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी सीमा लगती है, पूर्वी सीमा लगती है, ठीक है, और उत्तरी पूर्वी लगती हिमाचल के साथ में, और अपना पश्चिमी सीमा हरियाणा के लगती है पंजाब के साथ में, दक्षिणी सीमा हरियाणा की राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है, और उत्तराखंड के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा लगती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब करते हैं थोड़ा सा बात इसके बारे में, हरियाणा के ईस्ट हिस्से पे यमुना नदी होगी, ये जो हिस्सा है इसमें ये जो नदी बहती है इस नदी का जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं इतिहास के वो इस नदी को बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना, इस नदी से उनसे क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है, 100%, ठीक है। गग्गर नदी, गग्गर हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है, ठीक है, कहां से प्रवेश करती है, कालका से, कालका कहां है, पंचकुला के अंदर है, कालका से प्रवेश करती है और सिरसा जिले से ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, राजस्थान में। इसी नदी के किनारे आगे कालीबंगा नामक स्थल राजस्थान में है, जहां से काले रंग की चूड़ियां मिली थी और पेड़ के तनों को खोखला करके सीवरेज बनाने के साक्ष्य मिले थे, अनाज उगाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, तो ये साक्ष्य वहां से मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी वहीं से मिले थे, किंतु जुते हुए खेत के साक्ष्य हरियाणा के फतेहाबाद से मिले थे, फतेहाबाद में बनवाली से, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें है ना आप माइंड में है ना वैसे कैप्चर करके रखना। ये हरियाणा के साथ लगभग 291 किलोमीटर सीमा बनाती है, पर ये आपको याद नहीं करना है, ये नहीं पूछेंगे कि गग्गर कितनी सीमा बनाती है, यमुना 320 किलोमीटर बनाती है, किंतु ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, और ये बनाती है 291 किलोमीटर के आसपास, किंतु ये भी नहीं पूछा आपसे नहीं जाएगा, ये वैसे ही याद रख लेना, ठीक है। अब एक बात बताऊं, हरियाणा की राजस्थान के साथ सीमा कितनी लगती है, तो हरियाणा की राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है, कितनी लगती है, 1262। तो ये जो घग्गर नदी है ना ये लगभग 291 किलोमीटर सीमा बनाती है और ये हरियाणा के ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ये बहती हुई है ना, सिरसा से ये नदी निकल जाती है, ठीक है, बस ये चीजें याद रखनी आपको दिमाग। एक चीज और मैं बताऊंगा, राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सीमा बनी है, उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की सीमा बनती है हरियाणा की, इतनी बनती है 11 किलोमीटर की सीमा। कुछ एनसीईआरटी की किताबें उत्तर प्रदेश की बाउंड्री हिमाचल के साथ टच कर रही है, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा कौन से किस कोई एक
सीमाओं से संबंधित कोई क्षेत्र है उसमें बताया गया कि 25 किलोमीटर से नीचे का अगर हिस्सा है ना वो अवराज्य है उसको मान भी सकता है, टच होता है, उसको नहीं भी मान सकता। तो हरियाणा अपना मानता है कि उत्तराखंड के साथ टच होता है, बाकी एनसीईआरटी वगैरह में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड के साथ टच होती है। वो तो उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल के साथ टच करवा रहे हैं, अगर यूपी की हिमाचल के साथ टच हो रही ना तो फिर तो हरियाणा के बीच में तो है ही नहीं उत्तराखंड वगैरह। किंतु यहाँ ना तीन वन्य जीव अभयारण्य टच होते हैं आपस में, राजा जी होता है एक, ये अपना जो कलेश्वर होता है, एक और होता है उत्तराखंड का, ठीक है, ये तीनों के तीनों है यहाँ टच होते हैं आपस में, इनको तीनों के कॉर्नर लगते हैं। तो ठीक है, तो ये अपनी बाउंड्री की बात होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली के बारे में। ये दिल्ली है, एक एक चीज है ना विजुलाइज करना आप लोग, ये दिल्ली है। दिल्ली का जो ईस्ट पार्ट है ना उसको हरियाणा टच नहीं करता, पूर्वी हिस्से को हरियाणा टच नहीं करता, बाकी तीनों ओर से है ना दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा है। यहां कौन सा जिला है? सोनीपत जिला। यहां कौन सा जिला है? झज्जर जिला। ये कौन सा जिला है? गुरुग्राम जिला। ये कौन सा जिला है? फरीदाबाद जिला। ये प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली से हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो हरियाणा के दिल्ली से चार जिले लगते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये दिल्ली से चार ही जिले लगते हैं हरियाणा के। और ये बात करें भाई अपना चंडीगढ़ के साथ कौन सा जिला लगता है, तो चंडीगढ़ के साथ केवल पंचकुला जिला लगता है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश है अपने दो, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो दिल्ली के साथ अपने कितने जिले लगते हैं? सोनीपत लगता है उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में झज्जर लगता है, ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुरुग्राम लगता है और फरीदाबाद लगता है दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये जिले लगते हैं इसके साथ, दिल्ली के साथ। किंतु दिल्ली के पूर्वी भाग को कोई भी जिला हरियाणा का टच नहीं करता है, ठीक है, बस ये चीज दिमाग में रखनी है। चंडीगढ़ के साथ केवल पंचकुला लगता है, आपने विजुलाइज मैप में कर लिया है। अब क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के हिमाचल के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, तो आप फोन पे यूज करते हो? फोन पे, तो फोन पे याद रखना पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कितने जिले लगते हैं? फोन पे यूज करते हो आप, बोलते हो आम भाषा में, कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन पे, ठीक है। हम यूज करते हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये तीन जिले किसके साथ लगते हैं? हिमाचल के साथ लगते हैं। और अपना उत्तराखंड के साथ कौन सा लगता है? यमुनानगर लगता है, केवल एक जिला यमुनानगर लगता है उत्तराखंड के साथ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के साथ कितने लगते हैं? एक तो यमुनानगर लग गया, दूसरा करनाल लग गया, तीसरा पानीपत, चौथा सोनीपत, पांचवा फरीदाबाद, छठा पलवल और सातवां मेवात लगता है यहां से। ये थोड़ा सा क्या लगता है? नू मेवात लगता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा के? सात जिले लगते हैं, बस ये दिमाग में पक्का याद रखना है भाई, ठीक है ना। इतना पूछेगा नहीं किंतु हमारे दिमाग में होना जरूर चाहिए, भी पूछ भी सकता है वो, पूछ बैठे। और पंजाब के साथ कितने लगते हैं? पंचकुला लगता है, अंबाला लगता है, कुरुक्षेत्र लगता है, कैथल लगता है, जींद लगता है, फतेहाबाद लगता है और सिरसा लगता है, ठीक है। ये जिले हरियाणा के ऊपर के जिले किसके साथ लगते हैं? पंजाब के साथ टच होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के साथ कौन से जिले लगते हैं? सिरसा लगता है, फतेहाबाद लगता है, ये फतेहाबाद का ये जिला ना, ये फतेहाबाद लगता है, हिसार लगता है, भिवाणी लगता है, चरखी दादरी जिला टच नहीं होता है, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ लगता है, ठीक है, रेवाड़ी लगता है, गुरुग्राम जिला टच नहीं होता है, मेवात लगता है। फिर ये ध्यान रखना, गुरुग्राम जिला टच नहीं होता है, ठीक है, गुरुग्राम जिला राजस्थान से टच नहीं होता, हल्का सा है ना, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का हल्का सा नहीं है गैप है, ठीक है ना। ये देखो, ये 4-5 किलोमीटर का नहीं है, छोटा सा गैप है, ठीक है, ये छोटा सा गैप है। तो ये गुरुग्राम जिला है ना राजस्थान के साथ टच नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये गुरुग्राम जिला टच नहीं होता है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या गुरुग्राम जिला राजस्थान के साथ टच होता है, तो ये बोल देना कि जैसे बहस करने की जरूरत नहीं कहीं भी कि सर गुरुग्राम जिला राजस्थान के साथ टच नहीं होता है,
लगभग 4-5 किलोमीटर ना ये जिला है ना, लगभग लगभग बोलना कि ये राजस्थान की बाउंड्री से थोड़ा पीछे है, ठीक है, और मेवात जिला ना उसके बीच में से है, नू जिला, ठीक है, या कुछ महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के 4 जिलों से लगता है, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के 4 जिलों से लगता है, बाकी इस तरीके की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दिमाग में रखने के लिए बता रहा हूं। पर्सन ये पूछ ले, जैसे आप सीधे जाते बैठे हो, बैठते पर्सन ये पूछ ले हरियाणा के 2 लैंडलॉक जिले बता दो, लैंडलॉक जिले भू आबद जिसके चारों तरफ है ना, लैंडलॉक जिले बताओ जो किसी अन्य राज्य से टच नहीं होते, ठीक है, या किसी अन्य राज्य से टच नहीं होते। एक तो रोहतक जिला है जो किसी भी राज्य से टच नहीं होता, ठीक है, ये किसी भी राज्य से टच नहीं होता है, ठीक है, और एक चरखी दादरी है। कुछ महानुभाव है ना बोलेंगे जी गुरुग्राम भी टच नहीं होता, अरे गुरुग्राम दिल्ली से तो टच होता है, एक यूटी से तो टच होता है, तो रोहतक और चरखी दादरी 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य से टच नहीं होते, ये दोनों के दोनों जिले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हरियाणा के बिल्कुल बीच में है जिले, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जींद को बोला जाता है। ये जो चरखी दादरी जिला है ना, इसकी बाउंड्री इसकी गलत बनी हुई है, ये ठीक है, अब सबको दिख रहा है, ये हरियाणा का रोहतक जिला है, ये कौन सा जिला है, रोहतक। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं होते। अब दिल्ली के साथ वाले भी आपको विजुलाइज हो गए, बिल्कुल सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया और फरीदाबाद हो गया, ये दिल्ली के साथ लगते हैं, ठीक है। हरियाणा के कौन से जिले किसी अन्य राज्य को या यूटी को नहीं छूते, कौन से दो है, एक तो है रोहतक और दूसरा कौन सा है, चरखी दादरी, ठीक है। हरियाणा का नवीनतम गठित जिला चरखी दादरी है जिसकी स्थापना 16/11/2016 को हुई थी, ठीक है, एक बार HSSC ने माना था, एक बार माना था 1 दिसंबर 2016 को, इनमें से जो बताओगे वही ठीक है, तो 1 दिसंबर 2016 आप लोग बता देना, ठीक है ना, हरियाणा के नवीनतम जिले की स्थापना अगर कोई पूछे तो 1 दिसंबर 2016 ये आपको बता देना है, ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं बताना, ठीक है, ये बता देना 1 दिसंबर 2016, ठीक है ना। अब करते हैं थोड़ा सा आगे बात, 2 जिले कौन से हैं जो नहीं छूते, रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, यमुनानगर लगता है, करनाल लगता है, मेरे साथ साथ मन में बोलते जाओ, यमुनानगर लगता है ऊपर, और माइंड मैप को विजुलाइज करो, करनाल लगता है, पानीपत लगता है, चौथा सोनीपत लगता है, पांचवा फरीदाबाद लगता है, छठा पलवल लगता है और सातवां नू लगता है, हल्का सा ये हिस्सा, ठीक है ना, मेवात का, ठीक है, ये लगते हैं। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का एकमात्र पंचकुला लगता है, मेरे साथ विजुलाइज करते रहो, यही आज याद हो जाएंगे। दिल्ली के साथ लगते हैं सोनीपत लगता है ऊपर, झज्जर लगता है, गुरुग्राम लगता है और फरीदाबाद लगता है, ठीक है ना। और हरियाणा के ये इस जिले में पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। और हरियाणा के पंजाब, हरियाणा और पंजाब के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती हुई चलती है, तो वो चलती है गग्गर नदी, या गग्गर नदी बहती है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लगती है 1262 किलोमीटर की, और यमुनानगर की उत्तराखंड के साथ हल्का सा टच होता है, कितना किलोमीटर होता है, 11 किलोमीटर टच होता है, ठीक है ना। हिमाचल के साथ हरियाणा के कौन से जिले लगते हैं, फोन पे PAY, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है, दिमाग में विजुलाइज करके ये तीनों चीजें रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमने 2 नदियों के बारे में पढ़ा, एक तो यमुना नदी मैंने बता दिया, दूसरी नदी कौन सा बताया, घग्गर नदी बताया है, सरस्वती नदी का भी है ना हरियाणा के अंदर बहुत ही है ना एक प्रभाव है, सरस्वती नदी का भी। सरस्वती नदी हरियाणा हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, सरस्वती नदी करती है हरियाणा में आदिबद्री से,
कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री। आदि बद्री कहां है? यमुनानगर में। आदि बद्री से ये प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, आदि बद्री, ठीक है। ये आदि बद्री जगह नहीं पूछ सकते, किंतु यमुनानगर जरूर पूछ सकते हैं किस जिले से प्रवेश करती है, यमुनानगर से, ठीक है। प्राचीन काल में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इसी यमुना नदी के किनारे, सॉरी सरस्वती नदी के किनारे, मैं क्या बता रहा था, यमुना बता रहा था, सरस्वती बता रहा था, सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है यमुनानगर से, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में ये क्या है, मारकंडा नदी भी इसमें आके मिलती है सनीसा झील के नजदीक, ठीक है। वो झील वगैरह बाद में पड़ेंगे, किंतु आप ये याद रखना कुरुक्षेत्र में इसको लाके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आदि बद्री से प्रवेश करवा दिया और कुरुक्षेत्र के अंदर इस नदी को लाके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। आपने बीबी लाल के बारे में पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास में है ना बीबी लाल का बहुत योगदान रहा है। बीबी लाल ने किताब लिखी है द सरस्वती फ्लोज ऑन, द सरस्वती फ्लोज ऑन, ये किताब लिखी है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला था बीबी लाल को। और द सरस्वती फ्लोज ऑन इनकी किताब पुस्तक है, जिसमें सरस्वती नदी के किनारे जो जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक बार हरियाणा के जो एचएसएससी कमीशन है उसने भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि हरियाणा के इतिहास पे कौन से इनमें से इतिहासकार प्रकाश डालते हैं, तो बीबी लाल जो क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन आज पूछ लिया था, जो किसी भी किताब के अंदर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो द सरस्वती फ्लोज ऑन इतिहास वाले तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके चलना इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। पद्म विभूषण भी इसको मिला था, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। अब चलते थोड़ा सा आगे, हरियाणा की राजधानी, कैपिटल हरियाणा की कौन सी है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है, जींद है। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी क्या है, रोहतक है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना है, तीनों चीजें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने दक्षिणी हिस्से में। आपने डोसी की पहाड़ी के बारे में सुना होगा, जो इतिहास के छात्र हैं वो एक चीज याद रखना, डोसी की पहाड़ी पांचवी क्लास के अंदर भी है ना ये चैप्टर है डोसी की पहाड़ी का, ठीक है। नारनौल के कुलताजपुर गांव में है, महेंद्रगढ़ जिले के जो नारनौल है, जो अपना कस्बा है उसके नजदीक है ये कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 652 मीटर के आसपास है और ये अरावली श्रेणियों में है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इस साइड कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इस साइड कौन सी है, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियां इस साइड हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में। उत्तरी पूर्वी हिस्से में कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां। दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार अभी डोसी की पहाड़ी के बारे में याद रखना। ये डोसी की पहाड़ी है यहां पे, और इस डोसी की पहाड़ी से ही है ना एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दोहन नदी, ठीक है ना। दोहन नदी निकलती है, ये नदी कौन सी है, दोहन नदी। दोहन नदी की लंबाई हरियाणा में 50 किलोमीटर है, मात्र 50 किलोमीटर, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है बस, और कुछ याद नहीं करना इसका। और मैं तो बोलूंगा ये डाटा भी याद ना करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना जो दोहन नदी है डोसी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, बस ये याद रखना। डोसी की पहाड़ियां अरावली क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में है, तो महेंद्रगढ़ जिला टिक करना, छोटी छोटी अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है।
अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार हरियाणा के किस जिले को बोला जाता है? तो गुरुग्राम को बोला जाता है, ठीक है। किंतु इस तरीके के आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, इस साइड से एक नदी हरियाणा में प्रवेश करती है जिसको इंदौरी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? इंदौरी नदी। सॉरी, इंदौरी नदी पे नूह की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी, इस साइड से जो नदी बता रहा था वो नदी है साहिबी नदी। ये दो नदियां हैं, साहिबी, ये नदी है साहिबी, और ये नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। इंदौरी नदी मेवात के अंदर इंदौर नामक स्थान से निकलती है, ठीक है, या इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग। ये किसके अंदर गिर जाती है? ये साहिबी नदी के अंदर गिर जाती है। साहिबी नदी राजस्थान से निकलती है, जीतगढ़ की पहाड़ियों से, ठीक है। ये आगे नजफगढ़ झील के अंदर, नजफगढ़ ड्रेन के अंदर पड़ती है, और ये आगे जाके यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये आगे जाके यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, यहाँ नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ नाला कह लो, या नजफगढ़ झील भी है, ठीक है। ये बॉर्डर पे है बिल्कुल गुरुग्राम और इसके, तो ये चीज याद रखना। ये हरियाणा की कुछ प्रमुख नदियां थी, और एक दो नदियां और हैं अगर याद करना चाहो तो। मारकंडा नदी भी है। मारकंडा नदी काला अंब से प्रवेश करती है, और काला अंब नामक शब्द आते ही, मैं अगले पेज पे खोल लेता हूं, काला अंब, काला अंब के बारे में दो चीजें याद रखना। एक तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो काला अंब कौन सा है, ये काला अंब कौन सा है, ठीक है। दोनों के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, एक थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे। देखो, काला अंबाला से ये नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी काला अंब से प्रवेश करती है, और एक काला अंब कहां है? पानीपत में। ये दो काला अंब है भाई हरियाणा में, एक काला अंब कहां है? पानीपत में, एक काला अंब कहां है? अंबाला में। ये काला अंब है ना, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है, तीसरी लड़ाई से संबंध है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पानीपत के युद्धों के बारे में, क्योंकि ये नदियां तो होगी खत्म, क्योंकि नदी, नदियों का ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, डैम्स का टॉपिक है। नदियों के साथ अगर मैं बांध भी लपेटने की कोशिश करूंगा तो आपके दिमाग से थोड़ा स्किप हो सकता है। अब थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। अब पानीपत के बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई है, तो पानीपत के युद्धों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हरियाणा पानीपत के युद्ध, ये भाई कॉमर्स वालों से भी पूछ सकते हैं, पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास वाले से तो पक्का ही पूछेंगे, इतिहास वाले तो रट के जाना, पानीपत का पहला दूसरा तीसरा दोनों पूछेंगे। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। इसमें जीता कौन था? बाबर जीता था। हारा कौन था? इब्राहिम लोदी हारा था। अब इसके बारे में और मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा।
बाबर ने सैनिक सजाने की विधि कौन सी प्रयोग करी थी? सैनिक ये तुलुगमा युद्ध नीति बोल देते हैं हम, ठीक है। और तोप सजाने की कौन सी विधि प्रयोग करी? तोप, भी तोप कौन सी विधि से सजाए थे? ये उस्मानी से, ठीक है, ये उस्मानी विधि प्रयोग की थी। इस लड़ाई में बाबर का एक सेनापति मारा गया था, उसका नाम था संगार, ठीक है। संगार की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बाबर का एक सेनापति था। एक HSSC ने बहुत बार जम के क्वेश्चन पूछा है और किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और बाबर के तोपची वगैरह है उनके बारे में तो आपको विस्तार से पता ही होगा क्योंकि आप सारे इतिहास के स्टूडेंट रहे हो, ठीक है। मुस्तफा अली, इसका क्या था? तोपची। अब इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें। देखो, सैनिक सजाने की तुलुगमा युद्ध नीति होगी, तोप सजाने की उस्मानी विधि होगी। इब्राहिम लोदी का क्या यहां हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ में ग्वालियर का शासक मारा गया था। यहां लोदी अकेला थोड़ी था, ग्वालियर का शासक मारा गया था जिसका नाम था विक्रमजीत, ठीक है। विक्रमजीत के बारे में नाम क्यों बता रहा हूं? विक्रमजीत के पास में कोहिनूर हीरा था। कौन सा था? कोहिनूर हीरा। विक्रमजीत के पास था। ये शासक कहां का था? ग्वालियर का, ठीक है। बस दिमाग में यही चीजें याद रखना। मुबैया नामक पद्धति का जन्मदाता भी बाबर ही था, ठीक है। और NCERT में चार बाग शैली लिखा हुआ है कि अकबर ने चलाई थी चार बाग, ठीक है, चार बाग शैली। बाकी तो कई जगह मैंने बाबर भी पढ़ा है, हाल में NCERT में मैंने देखा था कि इसमें अकबर भी लिखा हुआ था, तो इस चीज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस ये पानीपत के युद्ध के बारे में ही बातचीत करनी थी। हमने पानीपत के युद्ध के बारे में अच्छे से बातचीत कर ली है। ये पानीपत का पहला युद्ध था, इसमें बाबर जीत गया था। बाबर ने फिर आगे और भी कत्लेआम मचाया, और भी लड़ाइयां लड़ी, उनके बारे में ज्यादा विस्तार से अब नहीं करेंगे चर्चा। अब पानीपत के दूसरे युद्ध की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिख देते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को अकबर वर्सेस हेमू। अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में अकबर जीत गया था, हेमू हार गया था। हेमू 14वां विक्रमादित्य था। हेमचंद्र, ये अंतिम हिंदू शासक भी था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा 14वां विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू इस लड़ाई में हार गया था, अकबर इस लड़ाई में जीत गया था। अकबर का एक संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खान। अकबर लगभग 13.5 वर्ष का था। अकबर की उम्र लगभग कितनी थी? 13.5 वर्ष थी, ठीक है। ये संरक्षक बैरम खान था, इसी ने इस युद्ध को जितवाने में ना बहुत ही बड़ी ना भूमिका अदा की थी, ठीक है। ये पानीपत का दूसरी लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद में ना और भी ज्यादा मुगल वंश ना मजबूत हो गया था, ठीक है। अब नीचे बात कर लेते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की। पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी, ठीक है, किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली, शेर अफगान, दुर्रे दुरानी। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य हुई थी। सदाशिव राव बहू, सदाशिव राव बहू और विश्वास राव बहू, विश्वास राव के हाथ में कमान थी और सदाशिव राव है ना इसका चाचा लगता था, ये कौन था? चाचा लगता था इसका, ठीक है, ये भतीजा था, ठीक है। सबसे पहली गलती तो ये थी कि मराठे थे, मराठे ठंड में है ना युद्ध करने के आदी नहीं थे ज्यादा, ठीक है। इस लड़ाई के परिणाम के बारे में थोड़ा, चलो वो थोड़ा सी बाद में बात करेंगे, परिणामों के बारे में, उन चीजों के बारे में, पहले जो मेन पॉइंट है उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो कहानी अलग, ठीक है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी, शेर अफगान, इसने जो तोप प्रयोग की थी, मैंने एक लड़की से क्वेश्चन पूछा था, मैं उससे ये चीज पूछना चाह रहा था कि वो क्या बताती है इस युद्ध के बारे में। उसने बता दिया अभी 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था, ये हुआ था, बस ठीक है। मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता कि युद्ध के बारे में जो बताती है तो यूनिक पॉइंट क्या बताती है, तोप, ठीक है। यहां तोप प्रयोग की थी, जमपुरा तोपे, कौन सी तोपे? जमपुरा तोपे, जमपुरा तोप। इस जमपुरा तोप की खासियत क्या थी? ये ऊंटों की पीठ पर लादकर चलाई जाती थी, जमपुरा तोपे, ठीक है ना। अब बात करते हैं फरीदाबाद में डैम्स की, बात करेंगे बांध, उनकी बात करेंगे, और मैं आपसे प्रमुख बांध, प्रमुख प्रमुख बांध बताऊंगा। फरीदाबाद में है अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध, ये फरीदाबाद के अंदर है, ये 8वीं सदी में बना था। फरीदाबाद में है सूरजकुंड झील, ठीक है, सूरजकुंड झील, ये 10वीं सदी में बनी थी, ठीक है ना। सिरसा में कौन सा है? सिरसा में घग्गर नदी के ऊपर है। सिरसा में किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। कौन सा बांध है? ओटू बांध। और ओटू बांध के नजदीक ही है ना कौन सी झील है? धनूर झील, ठीक है, यहां ओटू बांध है और यहां धनूर झील है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र में एक बांध है नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम किसमें है? कुरुक्षेत्र में है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कई बार माइंड में ना चढ़ता नहीं है। रेवाड़ी में है ना, रेवाड़ी में एक डैम है। और एक चीज और बताऊं, कुरुक्षेत्र का नील क्रांति कृष्णा डैम है ना, वो किसी नदी पे नहीं बनाया गया है, वो जी जो नाले वगैरह जो बह के आते हैं ना अंबाला से ऊपर से, उन नालों के का जल प्रवाह ज्यादा ना हो उसको रोक कम करने के लिए ये बांध बनाया गया है, ठीक है, कहीं ये सोचने लगो कि किसी नदी पे होगा। रेवाड़ी में साहिबी नदी पे मसाणी बांध बनाया है, ठीक है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। पंचकुला में कौशल्या बांध है घग्गर नदी पे, घग्गर की सहायक नदी कौशल्या पे है कौशल्या बांध, और यहां पे यमुनानगर में कौन सा है? ताजेवाला, ये बांध पहले था और वर्तमान में कौन सा बना दिया? अथनी कुंड, ठीक है, बस ये ही याद रखना है।
बांध इतने ही याद रखने आपको मोटे मोटे, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को एक गग्गर की सहायक नदियां बता देता हूं। गग्गर की सहायक नदी, ये गग्गर वाले टॉपिक में लिख लेना, ये ट्रिक लिख लेना। एक मिनट रुको, गग्गर की सहायक नदियों की ट्रिक है। टांगरी नदी है, ये मारकंडा में गिरती है। टांगरी नदी किसमें गिरती है? मारकंडा में गिरती है। मारकंडा नदी किसमें गिरती है? सरस्वती में गिरती है। सरस्वती नदी किसमें गिरती है? चुटांग में गिरती है। और चुटांग नदी किसमें गिरती है? गग्गर में गिरती है। ये सीक्वेंस में ट्रिक है। टांगरी नदी मारकंडा में जाके गिरेगी, मारकंडा नदी सरस्वती में गिरेगी, सरस्वती नदी चुतांग नदी में गिरेगी, चुतांग नदी किसमें गिरेगी? गग्गर में गिरेगी जाके, ठीक है। टांगरी या टांगड़ी बोलते हैं, ये कौन सी है? मारकंडा। ये कौन सी है? सरस्वती। ये कौन सी है? चुतांग। ये प्राचीन काल की कुछ नदी, ये है गग्गर। बस यही याद रखना, और आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। मैंने पिछले इंटरव्यू में एक जो अपना डेमो इंटरव्यू था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पे वन है, फॉरेस्ट। जो वर्तमान का डाटा है उसमें उसके अनुसार बता रहा हूं, हरियाणा के कुल भाग पर वन सोलह सौ चार वर्ग किलोमीटर, ठीक। आगे पॉइंट में भी है, वो याद नहीं करना। 1604 वर्ग किलोमीटर लगभग कितने परसेंट हिस्से पे हैं? 3.63% हिस्से पे वन है हरियाणा के। कितने पे? 3.63% वन हिस्से पे वन है हरियाणा के, ठीक है। ये रट लेना, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल 3.63%, ठीक है। हरियाणा के किस हिस्से या किस जिले में सबसे अधिक वन है? पंचकुला में क्या है सबसे अधिक वन, एरिया वाइज भी परसेंटेज वाइज भी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है प्रतिशत वाइज? फतेहाबाद में। परसेंटेज वाइज किसमें है कम? फतेहाबाद में। और अगर पूछे कि एरिया वाइज सबसे कम कहां है, तो पलवल में। पलवल में क्या है? एरिया वाइज। ये दोनों की दोनों चीजें आपको दिमाग में याद रखना, ठीक है। परसेंटेज वाइज कहां है? फतेहाबाद में। एरिया वाइज कहां है? पलवल में, ठीक है। ये दिमाग में विजुलाइज रखना है। मैप से आपको तीनों जिले हो गए विजुलाइज। पंचकुला क्या है? सबसे ऊपर है। परसेंटेज वाला क्या है? लेफ्ट में है थोड़ा सा, फरियाबाद है। और सबसे नीचे क्या है? पलवल में। क्या है? एरिया वाइज सबसे कम वन है, फॉरेस्ट है। एक चीज और याद रखना, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि जो पलवल का इलाका है, नू का इलाका है, वो थोड़ा है ना पिछड़ापन इलाका बोलते हैं, मतलब शब्दों में बोलते हैं पिछड़ा इलाका है, थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा पिछड़ा इलाका है। उस तरीके से हम यह करें कि ये वन में भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। फतेहाबाद का इलाका भी बिल्कुल ड्राई एरिया है, थोड़ा सा इसमें फसलें ज्यादा ज्यादा नहीं होती हैं, गेहूं वगैरह की को छोड़ के, और बाजरा को छोड़ के, और कपास को, धान वगैरह की, इस तरीके की खेती यहाँ नहीं होती है फतेहाबाद में उच्च क्वालिटी की। तो ये फतेहाबाद जिला जिले में क्या परसेंटेज वाइज सबसे कम वन है? फिर महेंद्रगढ़ का एरिया भी तो पूरा सूखाग्रस्त इलाका है, या रेवाड़ी का इलाका। तो महेंद्रगढ़, अब बात करते हैं थोड़ा झाड़ियों की। झाड़ियां, झाड़ियां हरियाणा के कुल हिस्से पे कितनी है? 154 वर्ग किलोमीटर हिस्से पे है।
ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ में कितनी है? सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में है, ठीक है ना, सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में है, ठीक है ना, ये याद रखना। सबसे अधिक कहाँ है? झाड़ियां महेंद्रगढ़ में है। और सबसे कम झाड़ी कहाँ है? जींद में है। सबसे कम झाड़ी कहाँ है? जींद में है। मेरे साथ साथ मन में बोलते रहो, सबसे अधिक कुल झाड़ियां कितनी? 154 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक झाड़ी महेंद्रगढ़ में, सबसे अधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ में, सबसे अधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ में, सबसे कम झाड़ी कहाँ है? जींद में। कई शहर वाले पूछेंगे जी झाड़ी क्या होती है? झाड़ी एक पौधा होता है छोटा सा, कटीला और छोटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये वन के बारे में हमने बातचीत कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहाड़ों के बारे में। थोड़े से पहाड़ और पढ़ेंगे, ठीक है। पहाड़ों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये जो ऊपर का इलाका है अपना, ये मैंने बताई थी घग्गर नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? प्रवेश घग्गर नदी। मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं। इस इलाके में जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी है? शिवालिक की। ये हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पे हैं? 1.67% हिस्से पे हैं। कितने पे? 1.67 हिस्से पे। वन क्या? किसकी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कितनी? कौन सी है? करो है। करो की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है, ठीक है। ये 1514 मीटर करो की चोटी की ऊंचाई है, ठीक है। अभी 1467 में मान लिया था किसने? एसटेट में माना था, ठीक है। ये HSSC मानती है, तो आप ये भी बोल सकते हो 1467, या लगभग ये कह लो कि औसत ऊंचाई की बात करें, इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई बता दो हरियाणा में, औसत ऊंचाई 1200 मीटर, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है इनकी, इन पहाड़ियों की, ठीक है ना। करो की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, 1514 मीटर है, ठीक है ना। शिवालिक की पहाड़ियां 1.67% हिस्से पे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस इलाके में जो पहाड़ियां हैं उनकी, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? नीचे हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में या दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, ये पहाड़ियां हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी डोसी की पहाड़ी हरियाणा में। वैसे तो गुरु शिखर है, डोसी की पहाड़ी मैंने बताई थी कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर कुलताजपुर गांव है, वहां है, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी है? डोसी की पहाड़ी। 652 मीटर ऊंचाई है। ये हरियाणा का सबसे ऊंचा भाग है दक्षिण में, ठीक है ना। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से में है? 3.09% हिस्से में है। कितने हिस्से पे है? 3.09% हिस्से के ऊपर है। कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। जो दिल्ली रेंज है वो भी इन्हीं का भाग है, अरावली की पहाड़ियों का, है। थोड़ा सा और करते हैं आगे। मैं अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करते ना, तो थोड़ा शैडो रीजन के बारे में बातचीत करते भी, किस तरीके से कौन सी वर्षा का क्या है, तो वो आपके काम का चीज है नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा हम बातचीत डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे जो मोटा मोटा जो ऊपर ऊपर की जो चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आप लोगों के एग्जाम रिलेवेंट हैं, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करता चल रहा हूं, ठीक है। अब उल्टे उल्टे हरियाणा पे आ जाते हैं एक बार। हरियाणा की हेलो, जनसंख्या, जनसंख्या ये मैंने शुरू में बताया नहीं डाटा, और ना मैं बताने में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा, ठीक है। और आपको ना ये याद करना है, ये भी याद नहीं करना आपको, ये कोई काम नहीं आएगा। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्ट जनसंख्या कितनी, कोई नहीं पूछेगा। हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा है? 2.09%। ये पूछ सकते हैं,
कि हरियाणा की जनसंख्या देश के जनसंख्या में कितना परसेंट है, 2.09, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल, चौवालीस 212 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता संभावना है पूछेंगे। कितना कितने परसेंट हिस्सा है ये भारत का, 1.34%, कितना है, 1.34%। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2.09%, 2.09%। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है देश के, भारत का, 1.34%, 1.34%, ठीक है, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है, याद रखोगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हरियाणा में, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, हरियाणा का डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, हरियाणा का एरिया, ये क्षेत्रफल एरिया है भाई, और ये जनसंख्या पॉपुलेशन है। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले साथी जुड़े हैं, उनको कुछ अगर दिमाग में कुछ पल्ले ना पड़े तो भाई ऐसे बोल देना बीच में कि बीच का इंग्लिश वर्जन बता दो, इस चीज का जन घनत्व आपके समझ में ना आए, ठीक है ना। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये इस तरीके से आप याद रखना। हरियाणा का कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा का है। सबसे अधिक फरीदाबाद का है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा का सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों तीनों चीजें आप याद रखना, और आपको कुछ ज्यादा ही दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, यहां तक भी नहीं पूछेंगे आपको, बाकी फरीदाबाद के बारे में पूछ सकते हैं, सिरसा के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक है, अधिक फरीदाबाद का है, कम किसका है, सिरसा का। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है वर्तमान में, सिरसा जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है, 4277, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका है, सिरसा का है। सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया में, 741 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है। सबसे बड़ा कौन सा, सिरसा। माइंड में विजुलाइज करोगे ना, सिरसा उस कोने पे है, फरीदाबाद इस कोने पे है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा वो होगा भाई जहां रेत ही रेत पड़ा हो, रेगिस्तान हो पूरा, वो फरीदाबाद। आप दिमाग में सोचोगे ना तो वो सोचोगे भाई वो तो लोग ही लोग रहते हैं, तो लोग ही लोग रहते हैं, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग ही लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमारे दिमाग में विजुलाइज आ जाएगा भाई गुड़गांव में बहुत भीड़ है, फरीदाबाद में बहुत भीड़ होगी, तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। ये याद नहीं करना आप लोगों को, फरीदाबाद कोई रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये 24 है, 24, और लास्ट में उल्टा 24 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 24 है, ये 24 उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना। और सिरसा में क्या है, 303, 303 एक राइफल भी आती है, 303, तो 303 ये वो 303 ही है, ठीक है ना, इसको सिरसा को याद कर लेना। सिरसा में आप दिमाग में सोचोगे भाई, सिरसा में है ना, आप एक कहानी बनाओ सिरसा के बारे में, भाई सिरसा में तो ना 4277 के बड़े जिले में कैसे बनाओगे, कई बार दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मैं बताऊं आपको, जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर में आदमी पता नहीं क्या कुछ बोलने लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे दिमाग विजुलाइज बना लो यार, सिरसा तो राजस्थान से टचा हुआ इलाका है, और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है ना, उस वजह से राजस्थान में तो पूरा रेत ही रेत है, सिरसा के अंदर तो पूरा बहुत बड़ा होगा, राजस्थान भी तो बहुत बड़ा है, और सिरसा के अंदर लोग कितनी कितनी दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते होंगे, झोपड़ियां बना के रहते होंगे दूर दूर, तो 303, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दूर दूर लोग रहते हैं। और फरीदाबाद में ये विजुलाइज कर लेना, फरीदाबाद छोटा सा एरिया है, दिल्ली के सटा हुआ है, 747 है, और वहां लोग रहते हैं क्या, ज्यादा रहते हैं भाई, छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक चीज और बताऊं, बाकी इनको जो अपने इको वाले हैं और ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड, इनको पता भी है भाई, इसको जनसंख्या घनत्व को एरिया से गुणा कर देंगे तो इसकी जनसंख्या जाएगी, अगर तो इस तरीके से भी आप इनका भी आगे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया सॉरी जनसंख्या भी, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चले चलते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशो की, मैंने कई बार बताया है आपको,
ये प्रश्न पूछा भी है, हॉट क्वेश्चन है ये बहुत, और आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के बारे में बातचीत करते हैं, तो हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? 879 प्रति हजार पे, ठीक है ना। मैंने एक लड़की से पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने बोला था कि जहां ज्यादा एजुकेशन होगी वहां का सेक्स रेशियो ज्यादा होगा क्या, उन्होंने हाँ बोल दिया था, ठीक है, तो उनका ये आंसर गलत था। अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार से बात करता हूं, ये हरियाणा का है, भारत का कितना है? 940 है। नू के बारे में मैं बता रहा था, नू का ना सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, नू का क्या है, नू में है ना सबसे अधिक है सेक्स रेशियो, नू का क्या है, अधिक है, नू का कितना है 907 प्रति हजार पे, ठीक है ना, 907 है नू का। और गुरुग्राम का कितना है, गुरुग्राम का 854 है। भाई जो याद करवाने की चीज हो ना वो वैसे याद करा दूंगा, ये रटने की चीज है तो रटवाऊंगा बोल बोल के बीच में, ठीक है ना। हरियाणा के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा बनाती है नदी, यमुना। पंजाब के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है, घग्गर। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, राजस्थान के साथ में है, 1262 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, यमुनानगर के साथ में। यमुनानगर की किसके साथ लगती है, यमुनानगर की लगती है उत्तराखंड के साथ में, यूके के साथ में, ठीक है, उत्तराखंड के साथ लगती है। उत्तराखंड के साथ कितनी सीमा लगती है, लगभग 11 या 12 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है। हिमाचल के साथ कौन से जिले लगते हैं, पौन पे लगते हैं, PAY, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ठीक है। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा कौन सा जिला लगता है, पंचकुला लगता है। दिल्ली के साथ कौन से जिले लगते हैं, सोनीपत लगता है उत्तर की साइड में, पश्चिम की साइड में झज्जर लगता है, दक्षिण पश्चिम की साइड में गुरुग्राम लगता है, और दक्षिण की साइड में क्या लगता है, फरीदाबाद लगता है, ठीक है। और दिल्ली ईस्ट की तरफ से, पूर्वी तरफ से दिल्ली को कोई भी जिला हरियाणा का टच नहीं होता है, ठीक है। हरियाणा के दो लैंडलॉक जिले चरखी दादरी और रोहतक। चलो आगे चलते हैं भाई, ये क्या था, हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना था, 879, ठीक है, ये हम विजुलाइज कर लेंगे। नू कहा है, नू जिला यहाँ है, नू जिला, नू का कितना है 907, हरियाणा में सबसे अधिक है। नू की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे कम है, सेक्स रेशो सबसे अधिक है, ठीक है ना। नू का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है ना। और गुरुग्राम के अंदर क्या है, सेक्स रेशो सबसे कम है, 854 है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की साक्षरता की। विस्तार से 75.6% है, और भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.5%, क्या 74.6 कर लो, 5.5 है, ठीक है। ये देखो हरियाणा के और इंडिया के साक्षर दर में बस माइनस एक करना है, ठीक है, बस ये इतना ही याद रखना। हरियाणा के सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में है, सबसे अधिक साक्षरता, आप सुनते जाओ, किसमें, गुरुग्राम, गुरुग्राम में सबसे अधिक साक्षरता है, 84.4%। गुरुग्राम में क्या है,
सबसे पढ़े लिखे हैं भाई, कम साक्षरता। नू में है भाई, ठीक है ना, नू में कितना है, लगभग 54% के आसपास है, ठीक है। सबसे अधिक महिला साक्षरता, फीमेल, ये इंपॉर्टेंट है, महिला साक्षरता अधिक, महिला साक्षरता। आप कईयों को ये समझ नहीं आता होगा साक्षरता क्या है, लिटरेसी रेट। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए, ठीक है ना। महिला साक्षरता अधिक कहाँ है, गुरुग्राम में है, कितनी है, 78.9%, या लगभग 79% बोल सकते हो, ठीक है ना, 79% भी बोल सकते हो, किंतु ये एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल ये रहेगा ना दिमाग में, तो और भी ज्यादा ठीक रहेगा भाई, 7-8-9 ही तो है, क्या दिक्कत है, 78.9 ही है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता गुरुग्राम में है, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये 84.4 है, तो ये दो चार है, इनका भी तो जोड़ 8 ही बन रहा है, ठीक है ना, दिमाग दिमाग में बार बार सोचोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। महिला साक्षरता महिलाओं क्या देना चाहिए, 7 देना चाहिए, तो वो 7 हो गया, 7-8-9, ठीक है, इस तरीके से दिमाग में विजुअलाइज होके ये याद हो जाएगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, हरियाणा के महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, उसके बारे में मैंने बातचीत की ही नहीं, और तो महिला साक्षरता दर की आप बात कर लो, हरियाणा की महिला साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है, 65.9%, ठीक है, ये याद रखना। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन सा है, हड़ेसर और दूसरा कौन सा है, गुरुग्राम जिले में, सुल्तानपुर, ठीक है। कड़ेसर कहाँ है, यमुनानगर में है, और सुल्तानपुर कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है ना, ये याद रखना। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब किया था भाई, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया था 27/9/2016 को, ठीक है ना, ये याद रखना। गूगल पे देखने की कोशिश मत करना, गूगल पे पता नहीं अप्रैल उप्रैल क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, 2 नेशनल पार्क हैं, कौन सा है, कलेसर और सुल्तानपुर। हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, देखो ट्रिक बना लो इसकी, क्लेश है किस पे, क्लेश है सुल्तान पे, भाई सुल्तान कौन बनेगा इस चीज पे ना, क्लेश चल रहा है, ठीक है ना, क्लेश किस चीज पे चल रहा है भाई, क्लेश भाई, आपको तो एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करना है, आपने क्या करना है, कौन सा गीत है भाई, क्लेश है किस पे है, क्लेश सुल्तान के ऊपर है भाई, सुल्तान कौन बनेगा, तो सुल्तान सुल्तान से होगा सुल्तानपुर, और क्लेश से होगा कड़ेसर, ये बनाना क्रम में। तो देखो हरियाणा के बीच के हिस्सों में ना ज्यादा क्लेश नहीं होता, क्लेश भी होता होगा ना कि दूर से होगा, तो यमुनानगर में ही है कड़ेसर, यमुनानगर में क्या है, कड़ेसर है, वहां क्लेश होता रहेगा, ठीक है ना। सुल्तान गुरुग्राम में, सुल्तान गुरुग्राम में सुल्तान रहा होगा, ठीक है। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना,
ठीक है लिख लेना, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव बैन कितने हैं? हरियाणा में वन्य जीव बैन है 8, ठीक है ना। कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, किस किस जिले में है। देखो ये रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले में 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव बैन है। कौन सा है? नहाड़। नहार वन्य जीव बैन, इसको नहाड़ भी बोल देते हैं, नहाड़, ठीक है ना। झज्जर में क्या है भाई? भिंडी खाप झज्जर की ट्रिक बना रखी है ऐसी, भिंडी और खाप। भिंडी में है क्या बोलना? भिंडावास। और दूसरा कौन सा है? खापड़वास। भिंडावास झील के ऊपर है ना एक पुस्तक लिखी गई है, एले फाउंडेशन ने एक पुस्तक लिखी है भिंडावास लेक के ऊपर है, ठीक है ना। और ये फाउंडेशन है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के एक फाउंडेशन है इस किताब लिखी है भिंडावास झील के ऊपर लिखी है। ये इंटरव्यू ये पूछ रहे कि हरियाणा के किस झील के ऊपर है ना कोई किताब लिखी गई है, तो भिंडावास लेक पे लिखी गई है, ठीक है ना। भिंडावास झील के ऊपर किताब लिखी गई है। इस भिंडावास झील के अंदर है ना एक नेचुरल भी है ना, एक तालाब बना हुआ है, नेचुरल झील है ये, ठीक है ना। सिरसा में कौन सा है? अबूब शहर। सिरसा में कौन सा है? अबूब शहर। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अबूब शहर, अबू तो अबू है ना, मतलब ये पाकिस्तान की तरफ या मतलब ये राजस्थान है, राजस्थान से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। अबूब शहर ये नाम है ना बिल्कुल अजीब सा लगता है, तो अजीब लगता है तो ये जिला भी कोई ना थोड़ा सा दूर ही मिलेगा, ठीक है ना भाई। अजीब ही जिला कोई, बाकी और हरियाणा के जिलों से अगर नजर मारो तो उनसे बिल्कुल है ना थोड़ा सा सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग थलग सा दिख रहा है। तो अलग थलग सा मतलब दिमाग में विजुलाइज करने के लिए बोला है, तो इसका नाम भी है ना अलग थलग सा दिखेगा, अबूब शहर, ठीक है ना, ये याद रखना। कुरुक्षेत्र में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? छिलछिला। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव बैन क्या है कुरुक्षेत्र में? ये किसके लिए फेमस है छिलछिला वन्य जीव बैन? ये है मगरमच्छों के लिए। देखो कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी ना, महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में काट डाला, मार डाला, छील डाला, क्या करा था भाई? कुरुक्षेत्र की लड़ाई में छील डाला था, महाभारत के युद्ध में क्या किया था? छील डाला था। 11 अक्षणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षणी सेना पांडवों की थी। काट डाला, मार डाला, छील डाला, किसकी लड़ाई में? कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये छिलछिला क्या है उसी से विजुलाइज करना है दिमाग में, छिलछिला, छिलछिला, छील दिया, कहां छिला? कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में। 11 अक्षणी सेना किसकी थी? पांडवों सॉरी कौरवों की, और 7 किसकी थी? पांडवों की, ठीक है ना। ये छिलछिला की बात होगी, कितने हो गए? 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5 हो गए। और कौन सा है कैथल में? कौन सा है? सरस्वती वन्य जीव बैन। सरस्वती कहां है? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? कैथल के अंदर है। अभी हाल में सीटी मेंस के अभी पेपरों में पूछा गया था सरस्वती वन्य जीव बैन हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों ऑप्शन में दिया था, किंतु क्या करना आपको? कैथल जिला आंसर सही टिक करना है, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। 2 पंचकुला में है भाई, 2 पंचकुला में है, वीर शिकारगढ़ और, वीर शिकारगढ़ और दूसरा कौन सा है? वीर शिकारगढ़ और दूसरा कौन सा है? एक तो वीर शिकारगढ़ है और दूसरा कौन सा है बता सकता कोई?
ही रेतान। खोल ही रेतान। ये दो कहां है? पंचकुला के अंदर है, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रतान, ठीक है ना? तो इस तरीके से दिमाग में कर लेना, शिकार के लिए कहां चली जाती हैं? पहाड़ियों में चली जाती हैं, पंचकुला की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, ठीक है ना? मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई ना, सॉरी उसकी, हाँ करो चोटी की ऊंचाई मैंने कितनी बताई थी? 1467 अभी स्टेट में माना गया था, और 1514 मीटर क्या थी, HSSC मानती आई है। और सबसे दक्षिण में मैंने बताया था डोसी की पहाड़ी बताई थी कुलतासपुर के अंदर, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है? हो गए ना 8 के 8। नहार वन्य जीव बना, नहार या नहाड़, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, चिलचिला। दो संरक्षित घोषित किए गए हैं, क्या घोषित किए हैं? दो संरक्षित घोषित किए हैं, उसके अंदर है ना बाहरी किसी का ना प्रवेश निषेध है, तो वो जींद में है। जींद में कौन सा है? बीरबारा। एक तो बीरबारा है, एक सरस्वती है, ये दो है ना संरक्षित घोषित कर रखे हैं, ठीक है ना? ये दो संरक्षित घोषित कर रखे हैं, ठीक है? ये आपको इतने याद नहीं करने हैं, आपको ये पूछेगा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कितने हैं? 8, ठीक है ना? फिर अगर 8 आपने बता दिए, फिर कुछ भी पूछ सकता अगला, क्योंकि अपने अपने राज्य के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए।